तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई व्हीकल है जैसे कि कार, स्कूटी, स्कूटर इत्यादि, और अगर आपको ये नहीं पता कि आपका कोई चालान कटा हुआ है या फिर पुलिस ने चालान काट के उसको अपलोड किया हुआ है, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके व्हीकल का चालान कटा हुआ है? क्योंकि होता क्या है, अक्सर हमको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती और हमारी जो व्हीकल है उसका चालान कटा होता है, और जब हम चालान क्लियर करने जाते हैं तो हमको उसके लिए पेनल्टी भी देनी पड़ती है, यानी कि उसको फाइन भी देना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए अगर हमको ये बात पहले ही पता हो कि हमारे गाड़ी का कोई चालान कटा तो नहीं है या फिर कोई चालान पेंडिंग तो नहीं है, तो हम उसको वक्त रहते ही उस चालान को हम भर सकते हैं और फाइन से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये इसी टॉपिक पे रिलेटेड है कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके व्हीकल का चालान कटा हुआ है या फिर कोई चालान पेंडिंग में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल टेक्नो चैटरूम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर पे कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ और सर्च बार पे आके टाइप करना है parivahan.gov.in और एंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप ये वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करना चाहते हैं या फिर आप कुछ इस तरह का ही इंटरफेस चाह रहे हैं जैसा कि आपके कंप्यूटर में शो रहा है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। जब आप अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन करते हैं, यानी कि जब आप उसमें क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, तो राइट हैंड साइड टॉप पे देखिए आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। जब आप उसके ऊपर टच करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा और ठीक उसके सामने एक बॉक्स मिलेगा। तो जब आप बॉक्स पर टच कर देंगे तो डेस्कटॉप साइट ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, यानी कि जैसी वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे दिखती है ठीक वैसी वेबसाइट आपके मोबाइल पे दिखने लगेगी, यानी कि ऐसे ही जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको देखिए अबाउट अस एक टैब दिख रहा है, इसी के ठीक बगल में ऑनलाइन सर्विसेज है। जब आप इस पर कर्सर लेके आते हैं तो पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट स्टेट नेम। तो ये जो ब्लैक एरो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेट्स के नाम आ जाएंगे सारे। तो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं आपको उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक पेज और ओपन होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे अपने गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपने व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपना जो RTO है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करने से पहले रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी पे क्लिक करना होगा। तो ये देखिए सेलेक्टेड RTO का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जब आप ये जो ब्लैक एरो दिया हुआ है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना RTO ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक पेज और ओपन होगा और यहाँ पे कुछ मीनूज दिए होंगे जैसे कि होम सर्विसेज, अपॉइंटमेंट, अदर सर्विसेज, डाउनलोड डॉक्यूमेंट, स्टेटस। तो यहाँ पे जब आप स्टेटस वाले बटन पे कर्सर लेके आते हैं तो यहाँ पे एक मेनू ओपन होगा। यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा, नो योर पेंडिंग ई चलान ब्लैक लिस्ट डिटेल्स। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज और ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से टाइप करना है और ये जो स्क्रीन पे आप कैप्चा देख रहे हैं आप ये बगल में यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और शो डिटेल्स वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल्स शो होगी। अगर आपका कोई चालान कटा हुआ है तो वो यहाँ पे शो होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी का कोई भी चालान अभी तक कटा नहीं है तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फाउंड शो कर रहा है। इसका मतलब अभी मेरी गाड़ी का कोई चालान नहीं कटा है, अगर चालान कटा होता तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिख रही होती। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से इस वेबसाइट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि आपके व्हीकल का कोई चालान तो कटा नहीं है या फिर कोई चालान पेंडिंग तो नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा होगा। तो अगर ये वीडियो काम का लगा है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है सुझाव तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।